नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक की देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। बीजेपी नेता पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय के इलेक्शन कैंपेन पर 24 घंटे की रोक। चुनाव आयोग ने कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज और पश्चिम बंगाल की तामलुक से भाजपा कैंडिडेट अभिजीत गंगोपाध्याय पर 24 घंटे के लिए प्रचार से बैन लगाया है। उन्होंने 15 मई को बंगाल के हल्दिया में कहा था, मैं सोच रहा हूं कि ममता कितने रुपए में बिक रही है, 10 लाख रुपए। मुझे हैरानी होती है वे महिला हैं भी या नहीं। इस पर ईसी ने एक्शन लिया है। लंदन से सिंगापुर आ रही सिंगापुर एयरलाइंस की बोइंग 777-300ER फ्लाइट टेक ऑफ के 1.5 घंटे बाद एयर टर्बुलेंस में फंस गई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई। फ्लाइट की बैंकॉक के सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इसमें 211 यात्री और 18 क्रू सदस्य सवार थे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए नई एडवाइजरी जारी, रात 8 बजे के बाद यात्रा बंद रहेगी। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के नियमों में बदलाव कर रही है। उत्तरकाशी पुलिस के मुताबिक रात 8 बजे के बाद कोई भी यात्री यमुनोत्री गंगोत्री धाम नहीं जा सकेंगे। यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं को रात 8 बजे के बाद अलग अलग पड़ावों पर रोका जाएगा। ईरान में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अंतिम यात्रा शुरू, 23 मई को दफनाया जाएगा। हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और अन्य 8 लोगों की आज अंतिम यात्रा निकाली गई। तबरीज शहर में राष्ट्रपति रईसी की तस्वीर लिए सड़क किनारे खड़े लाखों लोग रोते नजर आए। रईसी के निधन पर 5 दिन के शोक की घोषणा की गई है। 23 मई को उन्हें मशहद शहर में दफनाया जाएगा, यहीं रईसी का जन्म हुआ था। सोना पहली बार 74,000 के पार, चांदी एक ही दिन में 6,000 रुपए बढ़ी। गोल्ड और सिल्वर ने आज ऑल टाइम हाई बनाया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 839 रुपए महंगा होकर 74,222 रुपए पहुंचा। वहीं चांदी भी आज ऑल टाइम हाई पर पहुंची। इसमें 6,071 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 1 किलो चांदी की कीमत 92,444 पर पहुंची। 20 मई को चांदी की कीमत 86,373 रुपए प्रति किलो थी। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा को पार्टी से नोटिस, विधायक को भी शो कॉज जारी। झारखंड के हजारीबाग से सांसद बीजेपी नेता जयंत सिन्हा को पार्टी ने शो कॉज नोटिस भेजा है। उन्हें 2 दिन में इसका स्पष्टीकरण देना है। सिन्हा ने लोकसभा चुनाव प्रचार से खुद को दूर रखा है और वोट भी नहीं डाला, इसके चलते पार्टी ने उन्हें तलब किया है। धनबाद विधायक बीजेपी नेता राज सिन्हा और उनके विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल अध्यक्षों को भी नोटिस जारी किया गया है। विभव कुमार को मुंबई ले गई दिल्ली पुलिस, आईफोन डेटा रिकवर करने की कोशिश। केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आज मुंबई ले गई है। पुलिस के मुताबिक विभव ने अपने आईफोन का डेटा मुंबई में किसी व्यक्ति या फिर किसी डिवाइस में ट्रांसफर किया है, इसकी रिकवरी के लिए कोशिश जारी है। आईपीएल का पहला क्वालिफायर में केकेआर वर्सेस एसआरएच, कोलकाता कभी क्वालिफायर 1 नहीं हारी। आईपीएल में आज पहला क्वालिफायर मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए क्वालिफायर 2 खेलना होगा। वहीं कोलकाता कभी भी क्वालिफायर 1 मैच नहीं हारी है। श्रीलंका बोला, भारत को खतरे में डालकर चीन से रिश्ते नहीं बनाएंगे। श्रीलंकाई विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि भारत की सुरक्षा उनके देश के लिए बेहद ज़रूरी है। एक जिम्मेदार पड़ोसी के तौर पर वह किसी को भी भारत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर सामने आया है। इसी तरह श्रीलंका भी भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है, लेकिन हम तीसरे पक्ष को कभी भी खतरे में नहीं डालेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए बृजभूषण सिंह कहा, जब गलती की ही नहीं तो माने क्यों। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए गए आरोप पढ़कर सुनाए। कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं। जवाब में बृजभूषण ने कहा, कोई सवाल ही नहीं है, जब गलती की नहीं तो माने क्यों। मामले में अब आगे सुनवाई 1 जून को होगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात
कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।